हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो हरे रामो 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो कल हम लोग ने जो है दूसरा स्कंद भागवतम का चल रहा है, जो काफी अलग है पहले स्कंद से। पहला स्कंद जो है बहुत अच्छे से आराम से हो गया, बिना ज्यादा सोच विचार के, अर्थात उसको सब लीलाएं हैं और शिक्षण है अच्छे से। दूसरा जो क्रिएशन का कैंटो है, सृष्टि का निर्माण, वो काफी अलग तरीके से है। तो उसके अभी हम एक एक अध्याय में जा रहे हैं, कर रहे हैं चर्चा। तो कल हम किरात हुनिन्द्र पुलिन्द पुलकश अभीर संभ यवना कसाध्य एपे अन्ये च पाप पापद यद अपाश्रय आश्रय शुद्ध्यन्ते तस्मै प्रभु विषये नमः। तो इस श्लोक पे थे हम। तो उससे पहले हमने देखा कि कैसे ये जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, तो उनका प्रार्थना करने का उद्देश्य क्या है कि प्रोपा जी लिख रहे हैं आगे तात्पर्य में कि उनका प्रार्थना करने का उद्देश्य ये है कि भगवान की कृपा के द्वारा मैं महाराज परीक्षित के जो प्रश्न है उनका जवाब दे पाऊंगा। क्योंकि महाराज परीक्षित ने प्रश्न पूछे हैं कि इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, और प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि कई लोग 10वें स्कंद भागवतम पे जाते हैं, कई लोग रासलीला के बारे में सुनना है, पर वास्तविक रूप में भगवान का सृष्टि का निर्माण का जो लीला है वो भी उतना ही रोमांचकारी है जितना कृष्ण लीला है। और हमें जो है उस पद्धति से बढ़ना है, फर्स्ट कैंटो से पढ़ते पढ़ते सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ, उसके बाद 10वें स्कंद पे जाना है। ऐसा नहीं है कि सीधा 10वें स्कंद पे हमें डायरेक्ट जाना है। तो इसलिए वो अलग अलग प्रार्थना कर रहे हैं, और अलग अलग प्रार्थनाओं का उनका उद्देश्य ये है कि भगवान की कृपा मिले, और भगवान की कृपा के कारण जो है मैं भागवतम जो है बोल सकूं। तो अभी यहाँ वर्णन आ रहा है, अभी यहाँ पे वर्णन आ रहा है इस श्लोक का, किराट हुनिन्द्र पुलिन्द पुलकश का। तो मैंने जैसे बताया कि ये अलग अलग पाप योनियों का वर्णन है जो सबका उद्धार हो सकता है अगर वो जो है भगवान का आश्रय ले ले। तो हम देखते हैं कि प्रोपा जी भी विदेश में गए, और विदेश में जाके उन्होंने जो है विदेशी लोगों को प्रचार किया, जो देखा जाए तो कोई भी नियम पालन नहीं कर रहे थे। लेकिन बताया जाता है कि उनके प्रभुपाद के संपर्क में आने के कारण वो जो चारों नियम का उल्लंघन करते थे उनका पूरा जीवन बदल गया। तो इसका मतलब ये है कि सबसे मुख्य चीज ये है कि हमें साधु का संग में रहना चाहिए, जिसके संग से हमारा जीवन पूरी तरह से बदलाव हो सकता है। तो किसी ने सोचा नहीं था कि जो विदेशी भक्तगण हैं वो धोती कुर्ता पहनेंगे, जो पुरुष हैं वो लोग धोती पहनेंगे, जो स्त्रियां हैं वो साड़ियां पहनेंगे। पर प्रभुपाद जी के संग में वो पूरी तरह से उनके जीवन में बदलाव आ गया। तो अभी ये जो श्लोक है उसी के हिसाब से, उसी की तरह से गीता में भी एक श्लोक है, माम हि पार्थ व्यपाश्यत्र ये भी पाप योनियों का वर्णन आता है, स्त्रिया वैश्य तथा शूद्र तेपि यान्त्यं ब्रह्मगति। तो ये गीता में जब श्लोक आता है 9वें अध्याय में, तो उसका मतलब है कि भक्ति इतना शक्तिशाली है कि पाप योनियों में जो भी है भले शूद्र हो सबका उद्धार हो सकता है। ये है शक्ति भक्ति का। तो गीता में भी यही चीज वर्णन किया है, वही भागवत में है, और भागवत में विस्तार पूर्वक जो है एक एक अलग अलग देश और प्रांत का वर्णन है इस श्लोक में। तो हम लोग एक एक जो है इसके हिसाब से जाएंगे, किराट कौन किसको बोला गया है, हुना हुरिंद्र और ये सब जो वर्णन आ रहा है वो कौन कौन है, उसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। तो देखिए पहला आ रहा है किराट। तो ये चीज पहले आप समझ लीजिए, इस श्लोक का अनुवाद इस तरह से है कि जो भी भगवान के भक्तों का शरण लेता है, हाँ, तो भगवान की कृपा से उनके पूरा जीवन में परिवर्तन आ सकता है, वो पूरी तरह से भक्ति में जुड़ सकते हैं।
भले ही वो कितने ही पाप योनियों में जन्म लिए हो। तो किरात मतलब बताया जाता है ये भीष्म पर्व में, महाभारत में जितने भी ये सब किरात, हूणा, पुलिंदा, तो ये सब जो भी है सब महाभारत में वर्णन है और अलग अलग पर्व में। अभी ये यहाँ पे बता रहे हैं किरात मतलब जो सबसे निम्न वर्ग हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, बोलते हैं बिहार में, और प्रभुपाद लिख रहे हैं छोटा नागपुर, जो उनके निवासियों को किराट बोलते हैं। तो अगर आप देखें इस प्रोविंस से ज़्यादा वॉयलेंस हो रहा है, लोग ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, लोग ज़्यादा कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, तो वो भागवत के हिसाब से सही है क्योंकि ये बहुत निम्न वर्ग है। हूणा जो दूसरा है वो है, बताते हैं जर्मनी, ईस्ट जर्मनी के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ के लोग ऐसे हैं, और सम एंड अदर पार्ट्स ऑफ रशिया उनको हूणा बोलते हैं। फिर आंध्रा, तो ये आज भी साउथ इंडिया में है, आंध्र प्रदेश करके, तो इसका भी वर्णन आता है। तो वहाँ के लोग ज़्यादा जो है ऐसे आपके रहेंगे निम्न वर्ग के, ऐसा वर्णन आ रहा है। फिर पुलिंदा, पुलिंदा बोलते हैं जो ग्रीक्स होते हैं उनको पुलिंदा बोलते हैं। और यहाँ लिखा है कि शास्त्रों में लिखा था वन पर्वों में कि उनमें से जो है वो इतने शक्तिशाली एक समय में हो जाएंगे कि पूरी दुनिया को वो वश में करेंगे। कौन? पुलिंदा। पुलिंदा मतलब ग्रीक। तो जैसे ही इसका मैंने पढ़ा तो मैंने तुरंत सर्च किया कि भैया एलेक्जेंडर कौन से जगह से था। तो एलेक्जेंडर का जो है जन्म स्थान ग्रीस था, तो इसलिए एलेक्जेंडर पूरी दुनिया पे विजय प्राप्त कर पाया जो शास्त्रों में पहले ही लिखा था। फिर बोलते हैं कि कई जो लोग हैं जो पालन नहीं कर पाए ये शास्त्रों को, क्षत्रिय, तो फिर उनका पतन हो गया और वो म्लेच्छा बन गए। म्लेच्छा मतलब जो मांसाहार खाते हैं। तो बोलते हैं ये सर ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे धर्म में ऐसे लोगों का वर्णन है कि जो पालन नहीं कर पाए, जिनका पतन हो गया वो म्लेच्छा बन गए, पर प्रोपा लिखते हैं कि मुसलमान में भी उनको ऐसे लोग हैं, इस्लामिक धर्म में तो उसको काफिर बोलते हैं, प्रोपा लिखते हैं, और क्रिश्चियंस में भी है तो उनको हीथन्स बोलते हैं, अर्थात जो पालन नहीं करते उनके धर्म का, और उनका उस अपने धर्म में से पतन हो जाता है तो उनको इस नाम से बुलाते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं काफिर मुसलमानों में और हीथन्स क्रिश्चियंस में। तो सभी धर्मों में एक चीज स्पष्ट है कि आपको आपका धर्म हर परिस्थिति में पालन करना है, और अगर मुश्किल हो रही है तो तुरंत भक्तों का संग लेके, उनकी सहायता लेके वापस से परिस्थिति में अपने धार्मिक स्तर पे आना जरूरी है। कम से कम 4 नियम पालन करना, 16 माला करने में। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे जरा हटके बताना चाहूंगा कि हमने पूरा जीवन पर्यंत भक्ति करना है, और यहाँ पे पूरा इतने सालों से जो है महाराज ने काउंसलर सिस्टम बना के रखा है, जिसमें हर काउंसिली एक काउंसलर के अंडर में रहेगा, और वो काउंसलर दूसरे काउंसलर के अंडर में रहेगा, या डायरेक्टली महाराज के अंडर में है वो लोग। तो उसका उद्देश्य क्या था कि हर एक व्यक्ति को काउंसलिंग मिल सके, हर एक व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से प्रेरणा मिल सके, और विशेष रूप से उनके जीवन में कोई विकट परिस्थिति हो, भौतिक या आध्यात्मिक, तो उसमें भी वो मार्गदर्शन कर सके। अब इसका तत्व ऐसा है कि जब आप अपने काउंसलर या शिक्षा गुरु को अपनी परेशानी, अपना मुश्किल बताते हो, तो कोई निश्चित बात नहीं, जरूरी नहीं है कि जैसे आप उनको अपना प्रॉब्लम बताओगे तो उसका समाधान मिल जाएगा, या उनमें इतनी क्षमता है, वो इतने सक्षम है कि आपके कोई भी आध्यात्मिक और भौतिक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल दे। उनका वो बिल्कुल ठोस से कार्य आवाज है, नहीं आ रहा। उनका वो कार्य है, और वो कार्य के हिसाब से वो जो है गाइडेंस करेंगे, आपको मार्गदर्शन करेंगे। पर इसमें एक मुख्य चीज जो है हमें जानना चाहिए वो ये है कि कृष्ण भगवान ये देखते हैं कि जो भी भक्त है, जिसको कोई भी प्रॉब्लम हुआ है मटेरियल लाइफ में या स्पिरिचुअल लाइफ में, भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में, और वो मेरे भक्त को जो है पूरी उस पर श्रद्धा रख के जो है बता रहा है, मतलब उसको पूरा श्रद्धा है मेरे भक्त पे कि हाँ ये भक्त किसी और को नहीं बताएगा और मेरा नाम सम्मान बचा के रखेगा, और फिर भी मैं अपना जो है मैं जो मुश्किलें हैं मैं उसको बता रहा हूँ। तो जब ये मुश्किलें आप उनको बताते हो
तो कृष्ण भगवान ये देख रहे हैं कि आप किस में फेथ रख रहे हो, मेरे भक्त में। ये जो भक्त है वो किसको किसका प्रतिनिधि है, कृष्ण भगवान का। तो कृष्ण भगवान देख के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, फिर भले ही उस भक्त में क्षमता हो ना हो आपको मदद करने की, आपको पूरी तरह से मार्गदर्शन करने की, लेकिन क्योंकि आपने कृष्ण भगवान के भक्त पे श्रद्धा रख के उसको अपना प्रॉब्लम बताया है, तो फिर कृष्ण भगवान हस्तक्षेप करते हैं और फिर आपको मदद करते हैं इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। तो इसलिए हमें हर परिस्थिति में अपने गुरु के अंडर में रहना चाहिए, उनसे मार्गदर्शन कर लेना चाहिए, और ऐसा नहीं हो तो अपने जो गुरु भाई भी हैं, जो सीनियर डिवोटीज हैं, उनसे भी आप मार्गदर्शन ले सकते हैं, जो ज्यादा विचलित ना हो। अपने जो बिल्कुल साथ वाले गुरु भाई हैं उनसे चर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो खुद भ्रमित हो सकते हैं अगर वो भक्ति में स्थिर नहीं है तो। लेकिन जो फिक्स सब होते हैं, जो सीनियर डिवोटीज होते हैं, जो स्थिर होते हैं, तो जितने भी आप उनको प्रॉब्लम्स बताओगे तो ज्यादा वो विचलित नहीं होंगे और वो आपको मार्गदर्शन बरोबर से कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी वर्णन आ रहा है अभीर, अभी अभीर का वर्णन आता है कि यहाँ मार्कंडेय, मार्कंडेय ऋषि का वर्णन आता है कि यहाँ बोल रहे हैं देवर अंडर द डोमिनेशन ऑफ महाराज युधिष्ठिर। मतलब जितने भी ये लोग सब हैं, मलेच्छा, यावना, किराट, ये लोग सब एक समय युधिष्ठिर महाराज के, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज पूरे पृथ्वी के राजा थे तो सब उनके अंडर में थे। फिर जैसे कलयुग बढ़ते गया तो अलग अलग भाग हो गए और अलग अलग जगह चले गए, तो ये लोग भी बताया जाता है वो लोग भी भारतवर्ष के अंडर में ही थे। और यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं और पुलिंद के जगह पे, पुलिंदों के तरफ से एलेक्जेंडर ने पूरे भारत पे जो है विजय प्राप्त की। और अभीर, अभीर मतलब ये उसके जगह पे बोलते हैं, उनका भी वर्णन के वर्णन किया गया है कि अभीर भी भारत पे विजय प्राप्त करेंगे, और अभीरों के तरफ से मोहम्मद गोरी ने भारत पे विजय प्राप्त की थी। तो ये दो प्रोपा जी इतिहास का बता रहे हैं। फिर बताया जाता है कि जो क्षत्रिय परशुराम से डर के वहां पे भाग गए थे पहाड़ों पे, तो ये एक पहाड़ों का वर्णन किया है, तो उनको जो है अभीरा करके बताया गया है। तो अभी भी बताया जाता है इनहेबिटेड नोन एज अभीरा देश है, तो ये अभीरा का वर्णन हुआ है। फिर आता है यावना, तो यावना बोलते हैं टर्किश, टर्क में जो रहते हैं वो यावन है। तो ये लोग सब ऐसे पूरे विश्व भर में जो सबसे बद जीव हैं, सबसे पतित जीव हैं, उनका सब पूरा वर्णन किया गया है। फिर है खसा, खसा मतलब जिनका प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि जो हमारे होंठ के ऊपर जहाँ मूछें आती हैं वहां पे उनका मूछों का जो बाल है वो टेढ़े तरीके से आता है, सीधा नहीं आता है, प्रभुपाद बोलते हैं, इसलिए वो खसा, खसस बोलते हैं उनको। तो वो है मंगोलियन और चाइनीस। हाँ, तो चाइनीज लोग और मंगोलियन ये लोग जो है सबसे दूसरे पापी कैटेगरी में आते हैं। अब इसका मुझे वर्णन देने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है वातावरण में क्या हो रहा है। फिर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इफ द लीडरशिप ऑफ द वर्ल्ड अफेयर्स इज इंटरेस्टेड टू डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड देन द वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलरेडी देयर इन द नेम ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस और बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड देन द चेंज कैन बी ब्रॉट अप। तो प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं कि अगर कृष्ण भावनामृत संघ को अगर भक्तों को दे दिया जाए पूरा दुनिया चलाने को, तो उससे क्या होगा, इस्कॉन के नाम से पूरे विश्व भर में प्रचार होगा और फिर लोगों का हृदय धीरे धीरे परिवर्तित होगा और सब जगह सुख और शांति फैल पाएगी। तो जैसे मैंने कई बार प्रवचन में पहले बताया हुआ है कि सुख शांति पूरी दुनिया में बाद में फैलाएंगे, पहले हम अपने घर में फैला दें। अगर हमारे परिवार में सुख शांति नहीं है तो मतलब कुछ गड़बड़ है। तो हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि जितनी हो सके हम अच्छे से भक्ति करें और हमारे जीवन में सुख शांति होगी तो ही हम दूसरे के जीवन में सुख शांति करा पाएंगे। फिर प्रभुपाद लिखते हैं द पॉलिटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड में रिमेन इन द रिस्पेक्टिव पोजिशंस। क्यों? क्योंकि बोलते हैं अगर भक्तों को देंगे पूरा विश्व भर में प्रचार करने के लिए और पूरा विश्व का जो है देख रेख करने के लिए, तो किसी भी भक्त को कोई भी राजनीतिक पदवी से कोई सकता नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। तो जितने भी राजनीतिक पदवी में जितने भी लोग हैं उनको वैसे ही रहना चाहिए और सिर्फ उनको
भक्तों के द्वारा मार्गदर्शन करना लेना चाहिए कि किस तरह से जो है वो आध्यात्मिक भक्ति पूरे विश्व भर में प्रचार कर सके। तो बोल रहे हैं कि कैसे ह्यूमंस एंड नेशंस, बिटवीन द ह्यूमन नेशंस क्रिएटेड द पॉलिटिशियंस एट वंस बी एक्सटिंग्विश्ड, कि जो है एक-एक देशों के बीच में जो भेदभाव है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा अगर भक्ति का संपूर्ण रूप से प्रचार हो। और फिर बताया जाता है जैसे ये भेदभाव खत्म हो जाएगा तो ये अग्नि द्वारा जो दोनों के बीच में, दोनों अन्य अन्य देशों के बीच में या लोगों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो गलत फहमियां हैं वो पूरी तरह से निकल जाएगी और सब लोग जो हैं भगवत धाम की ओर प्रगति करेंगे। फिर बोल रहे हैं कि इसका एक ही मार्ग है, एक ही उपाय है कि हमें एक शुद्ध भक्त का आश्रय लेना चाहिए और गीता भागवतम जो हमारे शास्त्र हैं उसका आश्रय लेना चाहिए। फिर प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी विश्व के कोने से हो, अगर वो कृष्णा भगवान का शुद्ध भक्त बनता है तो वो गुरु बन सकता है और वो अपना तो उद्धार कर ही सकता है, पर गुरु बन के वो विश्व के सभी लोगों का भी उद्धार कर सकता है। तो हमें अपना हृदय शुद्धिकरण करना है गीता भागवत के पाठ से सेवा करके। जब हमारा हृदय का शुद्धिकरण हो जाएगा तो हम अपना तो उद्धार कर ही सकते हैं पर अपने साथ साथ पूरी दुनिया का भी उद्धार कर सकते हैं। प्रोपा लिखते हैं कि एक आम व्यक्ति क्या सोचता है, जो भगवान का विग्रह है वो पत्थर है और जो गुरु है वो एक आम आदमी है, पर ये गलत सोच है। वास्तविक सोच ये है कि भाई कि जो भगवान के विग्रह है उनको पूरी तरह से तुम्हें प्रतिमा नहीं, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, कि आप स्वयं भगवान हैं तो ये समझ के उनको पूरा सम्मान देना चाहिए। और ये 18वां श्लोक का प्रोपा जी कंक्लूड करते हैं परपट कि ही हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड, ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने अपना क्या अस्तित्व बताया है, गोपीर पद कमले और दास दास अनुदास, अर्थात उन्होंने बताया कि मैं कोई वर्ण में नहीं हूँ, मैं कोई आश्रम में नहीं हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, मैं कौन हूँ, मैं गोपियों का दास अनुदास हूँ। अर्थात ये सबसे जो है इम्पोर्टेंट पोजिशन है, हम सबको जानना है कि भाई हम हमेशा भक्तों के दास अनुदास बने रहेंगे तो हम भक्ति कर पाएंगे और हम दूसरों को भी प्रेरणा दे सकते हैं। तो हमारा कोई रोल है, कोई सेवा है, उसके लिए हम प्रचार कर रहे हैं, उसके लिए हम कोई सेवा कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हमारा वास्तविक, हमारा जो एटर्नल पोजिशन है जो हर एक भक्त को हमेशा अपने मन में रखना है कि मैं सबका दास हूँ, भले ही वो मेरे परिवार वाले हैं, भले ही कोई फैमिली में रह के बीवी बच्चों के साथ है, अगर कोई वैष्णव है, कोई ब्रह्मचारी है तो दूसरे भक्तों का, तो हर परिस्थिति में हम सबके दास हैं। वो हमारा मेन स्वरूप है, वो हमारा ओरिजिनल पोजीशन है, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है, ये नहीं छोड़ना है हमें। अभी हम आगे 19वें श्लोक में जाएंगे। तो 19वें श्लोक में वर्णन आता है कि कैसे भगवान जो है परमात्मा के रूप में है और वो इस पर्सोनिफिकेशन ऑफ द वेदस, पूरे वेदों का सार भगवान के द्वारा हमें मिलता है और पूरे शास्त्र और पूरी तपस्या जो है हमें करना है सिर्फ एक उद्देश्य से कि उनको प्राप्त कर सके। यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव भी जो है उनको पूछते हैं, तो ऐसा 19वें श्लोक में वर्णन करते हैं। तो जैसे मैंने कल बताया था, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामे सकले शांता कृष्ण भक्त निष्काम अथ एव शांता, ये मध्य लीला चैतन्य चरितामृत में आया है। तो प्रभुपाद जी एकदम विस्तार पूर्वक बोलते हैं कि कैसे जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं वो भुक्ति कामी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं वो सिद्धि कामी होते हैं, हाँ जो योगी होते हैं वो सिद्धि कामी होते हैं, ज्ञानी है वो मुक्ति कामी होते हैं। तो ये लोग सब जो हैं अशांत रहते हैं, वो लोग सब जो हैं कभी भी संतुष्टि उनके जीवन में नहीं आ सकती, लेकिन जो कृष्ण के भक्त हैं वो हमेशा संतुष्ट रह सकते हैं। तो ये श्लोक बोलना बहुत आसान है,
हाँ क्या श्लोक है, कृष्ण भक्त निष्काम अथ एव शांता। कृष्ण भक्त निष्काम होता है, उसमें कोई काम की इच्छा नहीं होती, इसलिए वो बहुत शांत है। मेरा प्रश्न है, जितने भक्तगण जो प्रवचन सुन रहे हैं, क्या आप इस लॉकडाउन में इस समय आप शांत हैं? तो शायद कई लोग का होगा हाँ हम शांत हैं, कई लोग बोलेंगे नहीं हम थोड़े हमारे मटेरियल लाइफ को लेके विचलित हैं। ठीक है, उससे विचलित होना स्वाभाविक है क्योंकि वातावरण ऐसा है, पर वास्तविक रूप में हमें देखना है कि जो हमें इंद्र तृप्ति चाहिए वो हमें कृष्णा से मिल रहा है कि नहीं। इंद्र तृप्ति अर्थात कि पूरी दुनिया जो है इंद्र तृप्ति के लिए लगी है, पर भक्त की इंद्र तृप्ति कैसे होती है, जो भगवान की सेवा करता है। तो भगवान की सेवा करके वो पूरी तरह से तृप्त हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं उनका अंश हूँ और उनकी सेवा करके मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। और ये सिर्फ थ्योरेटिकल चीज नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि भक्त लोग जब भगवान की सेवा करते हैं तो उस सेवा से वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये चार संप्रदाय हैं, और चार संप्रदाय ब्रह्मा शिव लक्ष्मी और चतुष्कुमार। तो ये चारों संप्रदाय के जो चार लीडर हैं वो भी वैसे हैं शांत, शांत मतलब उनको भी कोई इच्छा नहीं है, ऐसे करके वर्णन किया गया है। तो अभी क्या होगा, थोड़ा मैं इन फिलॉसफी के बीच में अलग अलग आपको कथाएं भी बताऊंगा, मैं कहानियां भी बताऊंगा, क्योंकि जो है थोड़ा अभी क्रिएशन अगला चैप्टर है द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, उसमें भी थोड़ा मैं आपको अलग अलग चीजें बताऊंगा जिससे आप ये पूरा जितना हो सके हमारे अपनी क्षमता अनुसार हम समझ सकें। तो 20वां श्लोक पे हैं हम लोग। हाँ, श्री सब लोग साथ में, जो लोग भागवतम अपने साथ खोल के रखे हैं सब लोग पढ़ सकते हैं। श्रियापतिर यज्ञपतिर प्रजापतिर धियापतिर लोकपतिर धरापतिर पतिर गतिश्चांद का वृष्णि सात्वताम प्रसिद्धताम में भगवान सताम पति ही। तो यहाँ पे बताया गया कि कैसे भगवान जो है पति, पति मतलब जो है ओनर या जो सब कार्यों के स्तोत्र भगवान है। तो श्रियापति, श्रिया मतलब, तो यहाँ पे आठ चीजों का वर्णन किया गया इस श्लोक में। श्रिया, श्रिया मतलब है कि हमारा जितना भी ऐश्वर्य है धन इत्यादि, उसके पति, उसके ओनर कौन है, भगवान। यज्ञ जो हम कर रहे हैं सेक्रीफाइस उसके, फिर प्रजा, प्रजा मतलब जितने भी लोग हैं हाँ, उनका लीडर्स ऑफ ऑल जीवस भगवान है, सब जीवों के प्रजापति हैं वो। फिर धियापति, धिया मतलब हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो इंटेलिजेंस है, उसके पति भी भगवान है। लोकपति, लोक मतलब सर्वलोक, जो हमारे भौतिक जितने भी लोक है, आध्यात्मिक लोक है, उसका वर्णन है। फिर धरापति, धरती के जो है कर्ता भी भगवान है। और फिर अंत में यदु और वृष्णि वंश के लोगों का वर्णन किया गया है कि उनके भी जो है सात्वताम, सात्वताम अर्थात जो भगवान जो है उनको बताया गया है कि वो सबको ये करते हैं, सबके पति वो हैं। प्रसादताम में भगवान सताम पति, सताम पति मीन्स इज अ लॉर्ड ऑफ डिवोटीज एंड वो सबसे कृपालु है। तो देखिए, ये श्लोक का इतना विस्तार पूर्वक बताने का उद्देश्य ये है कि हमें ये समझना है कि सब चीज के स्तोत्र भगवान ही है, तो हमें हर चीज भगवान की सेवा में लगाना है, और हमें भगवान का हमेशा स्मरण करते हुए भगवान की भक्ति करने की कोशिश करते रहना है। तो ये इसमें स्पष्ट बताया गया है। तो अभी जो है हम लोग प्रोपा लिख रहे हैं, हाँ ये 20वां हम लोग श्लोक पे हैं, चौथे अध्याय के। तो उसके तात्पर्य में लिखना है, सेक्स लाइफ इन द मंडेल वर्ल्ड इज द रूट कॉज ऑफ बीइंग कंडीशंड बाय द साइकिल ऑफ इल्यूजन। मतलब जो सेक्स की इच्छा है वो सबसे सबसे मजबूत कारण है, द रूट कॉज, वो जड़ है। जैसे बोलते हैं ना, पेड़ जो है जड़, पेड़ का सबसे मजबूत जगह होता है जड़, जिसके कारण वो पेड़ पूरा उगता है। तो उसी प्रकार से ये जड़ है सेक्स लाइफ, जिसके कारण जो है जीव इस भौतिक जगत में अटका हुआ है। और जैसे हमने पहले चर्चा किया कि वो भगवान की कृपा से ही हम उससे बच सकते हैं, और हमें चाहिए कि हम हर समय
अपना जो है मन भगवान की सेवा में लगा के रखे हैं। और जैसे प्रभुपाद ने भागवतम में लिखा हुआ है, पहले खाली दिमाग शैतान का घर। तो हमें खाली दिमाग नहीं रखना है, जितना हो सके हमें अपने मन में कृष्ण की सेवा, कृष्ण की भक्ति ही लगा के रखनी। फिर 21वें श्लोक में बोलते हैं कि वो मुक्ति प्रदान करने वाले हैं भगवान, और उनके चरणों में जो ध्यान करता है तो उसके कारण जो है ज्ञानी और बाकी ऐसे लोग का भी उद्धार हो जाता है। तो विस्तार पूर्वक उसमें बताया गया है। तो प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में बोलते हैं, द प्योर डिवोटी बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड लूजेस ऑल अट्रैक्शन फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट। देखिए इसमें ये पंक्ति प्रभुपाद जी का बहुत मुख्य है। पिछले श्लोक में हमने सुना सेक्स लाइफ जो है इस भौतिक जगत का सबसे मुख्य कारण है, जिसके कारण जीव यहाँ पे अटका हुआ अटका रहता है भौतिक जगत में। और यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान की कृपा से जो है जीव को सब भौतिक इंद्र तृप्ति से आकर्षण खत्म हो जाता है। एंड टू कीप हिमसेल्फ फ्री फ्रॉम द कंटेमिनेशन ऑलवेज थिंग्स ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। और ये सब जो है बाहर के रूप के जितने भी कलमश है उससे दूर रहने के लिए वो हमेशा भगवान के चरणों का स्मरण करता है। तो इसमें मुख्य चीज ये है कि भगवान की कृपा मिलेगी तो ही हम इंद्र तृप्ति से दूर हो सकते हैं, नहीं तो हम इंद्र तृप्ति में हमेशा फंसे रहेंगे। तो जब कोई जीव उसमें फंसा है तो उससे ज्यादा उसे विचलित नहीं होना है। हाँ, अभी सबके अनर्थ हैं, समय समय पर अनर्थ बाहर आएंगे। हम लोग जितने लोग भी प्रवचन सुन रहे हैं हम लोग सब पेशेंट हैं। पेशेंट अर्थात जो हॉस्पिटल में जाते हैं, और हॉस्पिटल में जाके जो बीमार होते हैं, तो किसी की बीमारी हो सकता है एक हफ्ते में ठीक हो, किसी की बीमारी एक महीने में ठीक हो, किसी की बीमारी एक साल में ठीक हो। तो सबको मालूम है हर बीमार व्यक्ति का दवाई अलग अलग रहेगा, और उसका बीमारी के हिसाब से वो अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया करेगा। कोई खांसेगा, हाँ, कोई को बुखार होगा, कोई जो है वॉमिटिंग करेगा, क्यों बीमार है। तो ज्यादा उससे विचलित नहीं होना है, लेकिन मुख्य चीज क्या है, दवाई लेते रहना है। तो उसी प्रकार से हम सब जो साधना भक्ति कर रहे हैं, वैधी भक्ति कर रहे हैं, हम सबके अनर्थ बाहर आएंगे। कभी काम बाहर आएगा, कभी क्रोध बाहर आएगा। तो हमें समझना है, हाँ ये सब हमारा शुद्धिकरण हो रहा है, और कभी कभी ऊपर नीचे होगा, तो उससे बिना ज्यादा विचलित होते हुए हमें दवाई लेते रहना है। कभी कभी क्या होता है, भक्त लोगों को लगता है अरे देखो मैंने इतने साल से भक्ति की, उसके बाद भी मेरा काम नहीं खत्म हुआ, मेरा क्रोध नहीं खत्म हुआ, मेरा लोभ नहीं खत्म हुआ, तो ये भक्ति मार्ग की जो है काम नहीं कर रहा, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, आपको ये समझना है कि ये सब काम क्रोध आता रहेगा 10 20 30 40 साल के बाद भी, लेकिन हमें रोज अपना नियम के हिसाब से माला जप करना और भक्ति करते रहना। जैसे मैं बता रहा था कि राधानाथ महाराज को एक व्यक्ति आके बोल रहे थे कि मैं 10 साल से जपा कर रहा हूँ और मेरे में काम भावना 1% भी कम नहीं हुआ, तो ये प्रोसेस वर्क नहीं करता है। तो राधानाथ महाराज ने बोला 10 साल से पहले तुमको मालूम था तुम्हारे में काम भावना है? तो वक्त बोलता है नहीं। तो महाराज ने बोला इसका मतलब ये प्रोसेस वर्क कर रहा है, कम से कम 10 साल के बाद तुमको ये तो मालूम चला तुम्हें काम भावना है। तो बाहर के भौतिकवादी लोगों को ये भी मालूम नहीं है काम भावना है, उनको लगता है काम तो सबसे हमारा बड़ा मित्र है और काम को प्रेरित करते रहते हैं पूरा जीवन पर्यंत। तो यहाँ पे मैं चाहूंगा जो 21वां श्लोक है, अगर सब लोग अपने साथ भागवतम खोल के बैठे हैं या मोबाइल पे या कहीं पे भी देख रहे हैं, तो ये श्लोक आप लोग खोल सकते हैं, जो कुलशेखर की ये प्रार्थना है जो हमने पहले भी चर्चा किया था, जो है हमने ये श्लोक के बारे में बताया था। तो अभिराम गोपाल ठाकुर का जो एक जो है प्रमुख श्लोक था कुलशेखर की प्रार्थनाओं में, तो अभी हम लोग वापस आज चर्चा कर सकते हैं। कृष्णा त्वदेव पद पंकज पंजरंतम अद्येव मे विषते मनस राज हंसा प्राण प्रणाय समये कफवात पित्तौ कंधा वृदौ विदौ स्मरणम कुटस्ते। तो ये श्लोक जो है बहुत मुख्य है, मैंने पहले भी इसका अनुवाद बताया था कि इसमें बोलते हैं कि मेरा मन जो है वो एक बतक के समान है, स्वयं के समान है, और वो
जो है लोटस या कमल उसके टहनियों में जाके फंसना चाहिए वो, अर्थात कृष्ण भगवान के चरणों में जाने जाके मेरा मन हमेशा वही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मेरा मृत्यु का समय आएगा, कफ वात पित्ते, तो इसमें देखिए लिखा है कंथा अवरोधो विधो स्मरणम कुठस्ते। स्मरणम कुठस्ते मतलब मैं कैसे आपको स्मरण कर पाऊंगा जब मेरा कंठ में कफ वात और पित्त के कारण पूरा मेरा कंठ जो है अटक जाएगा, उसमें मैं बोल भी नहीं पाऊंगा। तो हम अधिकांश समय देखते हैं जब व्यक्ति मृत्यु का समय आता है, बोलना चाहता है पर उसकी परिस्थिति इतनी बेकार होती है, बोल नहीं पाता है, तो ऐसे समय में वो कृष्णा को कैसे स्मरण कर पाएगा। तो इसलिए बोल रहे हैं अभी जो है मेरा शरीर त्याग दो और मेरा मन हमेशा आपके ध्यान में रहे, ऐसे करके वर्णन कर रहे हैं। फिर प्रोपा जी बोल रहे हैं, प्रोपा जी इसी श्लोक में कोट कर रहे हैं भगवद गीता का 10वां अध्याय का 10वां श्लोक। तेषां सतयुक्ता नाम भजतां प्रीति पूर्वकम् ददामि योगम तम ये नमामुपयन्ति ते। तो देखिए ये श्लोक कितना हमें सहायक है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद बोल रहे हैं जो सिंसियर भक्त होता है कृष्ण भगवान उसको जो है बुद्धि अपने आप देते हैं, क्योंकि भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। तो आपको ये नहीं चिंता करना चाहिए कि मुझे मार्गदर्शन कहाँ से मिलेगा। हाँ, जो गुरु आपको मार्गदर्शन कर रहा है, जो शास्त्र आपको मार्गदर्शन कर रहा है, वो प्रामाणिक जो भगवान चाहते हैं वैसे मार्गदर्शन कर रहे हैं। उसके अलावा भगवान परमात्मा के रूप से आपको अंदर ही अंदर सही मार्गदर्शन भी करेंगे। तो जो कोई सिंसियर रहेगा भक्ति में, जो प्रामाणिक है, जो मेहनत कर रहा है, तो एक चीज समझ लीजिए कि उनको जो है भगवान हमेशा मार्गदर्शन करेंगे, वो आपको सही बताएंगे कि क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो भक्तों को एक चीज पे और बताया जाता है ना, उनको सही शब्द बोले तो बहुत निश्चिंत हो जाना चाहिए क्या, कि भगवान हमेशा मुझे मार्गदर्शन करने के लिए है। फिर बताया जाता है ही रिवील्स हिमसेल्फ टू डिवोटी व्हेन ही इज फुली सेटिस्फाइड बाय डिवोटी सर्विस एटीट्यूड, अर्थात आपकी सेवा भाव देख के जो है वो भगवान आपको जो है अब उसी हिसाब से भगवान आपके साथ आदान प्रदान करेंगे। तो जितना हमारा तीव्र सेवा भाव है उतना भगवान हम पे कृपा करेंगे। तो सेवा भाव सेवा भाव सेवा भाव बहुत जरूरी है। तो सेवा श्रवण और जो हम जप कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो ये दो तीन चीज जो है हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, और नम्रता। तो इसलिए बोलते हैं सबमिशन सर्विस श्रवणम एंड साधना। तो ये जो चार चीजें हैं उसको हमेशा पकड़ के चलना है जीवन पर्यंत, क्योंकि उसमें से एक भी छूट जाएगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नम्रता तो पूरा बेसिस है, अगर नम्रता नहीं रहेगी अपराध करोगे तो आप भले ही कितने ही स्ट्रांग हो, साधना में सेवा में श्रवण में उड़ जाओगे आप। तो नम्रता मुख्यता है ही। इसलिए आप देखते हैं जो आज कृष्ण भगवान भी बोलते हैं गीता में जो अच्छे गुण है उसमें से सबसे पहला बोलते हैं अमानित्वम। अमानित्वम मतलब ह्यूमिलिटी। जब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं अपने शिक्षाष्टकम में तृणादपि सुनिश्चयेन, तो बोलते हैं नम्रता होनी चाहिए घास के तिनके समान। तो क्या कारणवश है जब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दोनों नम्रता के ऊपर इतना जोर दे रहे हैं? क्योंकि नम्र रहेंगे तो ही भक्ति कर पाएंगे, अगर नम्रता नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा भक्तिमय जीवन में। तो हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे नम्रता बहुत अति आवश्यक है भक्ति के लिए, और कृष्ण भगवान और चैतन्य महाप्रभु भी नम्रता पे जोर दे रहे हैं। हाँ, अमानित्वम और चैतन्य महाप्रभु बोले तनादपि सुनिश्चयेन। तो ये दोनों नम्रता इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नम्र रहेंगे तो ही हम भक्तों में भक्ति में टिक पाएंगे और भक्तों से आदान प्रदान हम ध्यान से कर पाएंगे। तो एक हो गया जो है सबमिसिवनेस, फिर है हमारा सर्विस एटीट्यूड। यहाँ पे प्रभुपाद जी जैसे श्लोक में बोल रहे हैं कि आपका सेवा भाव बहुत जरूरी है, और श्रवणम, और उसके साथ साथ हमारी साधना जो है जपा। तो ये चार चीजों को हमेशा अपने जीवन में हमें जो है बहुत ध्यान से करते हुए निकलना है, बढ़ना है। तो बताया जाता है इसके 21वें श्लोक के अंत में बताते हैं कि एक भक्त की चेतना क्या रहती है, कि वो हमेशा भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। तो
इसके लिए उसको उसको भगवान की कृपा मिलती है। तो वो अपने आनंद के लिए कार्य नहीं करता, पर वो भगवान के प्रसन्नता के लिए हर कार्य करता है। तो ऐसे करके 21वां श्लोक के बाद 22वें श्लोक में बताया जाता है, नॉलेज ऑफ ब्रह्मा एंड इंस्पायर्ड हिम इन क्रिएशन, अर्थात कि ब्रह्मा जी को भी ज्ञान कृष्ण भगवान ने दिया था, जिसके कारण पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। और फिर वो ब्रह्मा जी के मुखारविंद से, एक तो वो वराह के रूप में आए और दूसरा वेदों का भी ब्रह्मा जी के द्वारा निर्माण हुआ, ऐसा वर्णन कर रहे हैं। तो ये 22वां श्लोक है, इसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि ना ही ब्रह्मा ना ही भौतिक जगत, जो भौतिक प्रकृति है, वो भगवान से अलग है। मतलब भला भगवान से दोनों ही, दोनों ब्रह्मा या प्रकृति, दोनों भगवान पे निर्भर है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो अगर ब्रह्मा भगवान से स्वतंत्र नहीं हो सकते, अगर ये भौतिक प्रकृति अर्थात दुर्गा देवी भगवान से स्वतंत्र नहीं हो सकते, तो हम जैसे बद्ध जीव भगवान से कैसे स्वतंत्र हो सकते हैं। अर्थात हम पूरी तरह से भगवान पे निर्भर हैं, और हमें चाहिए कि अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो ही हम जो है अपना जीवन पर्यंत आराम से भक्ति कर पाएंगे, और उनके भक्ति के कारण ही हम अपना जीवन जो है पूरी आराम से जो है निवास कर पाएंगे। तो फिर जो है 23वें श्लोक में बताया जाता है कि कैसे एनलाइवन्स मटेरियल बॉडीज बाय लाइंग डाउन इन द यूनिवर्स एज पुरुषा कॉजेस लिविंग एंटिटीज टू बी सब्जेक्टेड टू 60 डिविजन्स ऑफ मोड्स बी प्लीज्ड बाय टू डेकोरेट बाय माय वर्ड्स। अर्थात कि कैसे भगवान पुरुष अवतार के रूप में अवतरित होते हैं, और हमें मालूम है कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में वो पूरी सृष्टि को पूरा संभालते हैं। तो उसका वर्णन आ रहा है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, द डिवोटी इज ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ एज इंस्ट्रूमेंटल ऑफ एनीथिंग सक्सेसफुल कैरिड आउट, कि हम सिर्फ निमित्त हैं। अगर हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा कार्य हो जाए, तो हमें भक्तों को हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम सिर्फ निमित्त हैं, भगवान इसके पूरे जो है इनका भगवान को पूरा श्रेय जाता है। प्रभुपाद लिखते हैं, ही डिक्लाइंस टू टेक क्रेडिट फॉर एनीथिंग डन बाय हिमसेल्फ। अगर कुछ अच्छा कुछ हो जाए हमारे हमारे से कोई कार्य, तो हमें उसका श्रेय नहीं लेना चाहिए। जबकि बाहर की दुनिया में उल्टा होता है, बाहर की दुनिया में किसी ने अच्छा नहीं भी किया हो, तो भी वो लोग जो है किसी न किसी तरह से ये साबित करना चाहते हैं कि मैंने किया है, और उनको मान सम्मान श्रेय चाहिए। तो भक्त में और भक्त में ये मेन डिफरेंस है कि भक्त किसी भी कार्य के लिए श्रेय नहीं लेना चाहता है, और यहाँ तक कि जब कोई अच्छा कार्य उसके द्वारा हो भी जाता है, तो समझता है कि मैं से निमित्त हूँ, ये भगवान करा रहे हैं। और इसी श्लोक में 23वें श्लोक में फिर से ये बात आ रही है, जो सेकंड कैंटो में दूसरी बार प्रोपर लिख रहे हैं कि नॉट इवन अ ब्लेड ऑफ ग्रास कैन मूव विदाउट द सेक्शन ऑफ सुप्रीम स्पिरिट, कि एक घास का तिनका भी नहीं हिल सकता बिना भगवान की कृपा के। तो ये बार बार दोहराने का उद्देश्य ये है कि हमें पहला स्कंद में जो हमने पढ़ा है वो ध्यान रखना है कि जो भी हमारे जीवन में हो रहा है वो भगवान का आशीर्वाद है। तो अगर एक घास का तिनका भी नहीं हिल सकता भगवान की कृपा के बिना, अर्थात हमारे जीवन में कुछ भी हो रहा है वो भगवान का हस्तक्षेप है, जो जिसे भगवान का आशीर्वाद मान के हमें पूर्णता हर परिस्थिति में भक्ति करना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य रहता है। वेदर वंस ओन बॉडी और अ फ्रूट और फ्लावर, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अगर हमारा शरीर को ले लीजिए या एक फल या एक पुष्प को भी ले लें, तो बिना आत्मा के, बिना जो है आध्यात्मिक शक्ति के जो है कोई भी जो है बढ़ेगा नहीं। अगर हम देखते हैं एक पेड़ में एक फल भी लगा हो या पुष्प भी लगा हो, अगर उसको तोड़ दोगे तो फिर वो पके बड़ा नहीं होगा, भले वो फल है कि फूल है। और उसी तरह से आत्मा है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं बतलाने के लिए कि हमें समझना है सब जगह आत्मा सबसे शक्तिशाली है, आत्मा के कारण सब चीज का विकास हो रहा है, सब चीज बढ़ रहे हैं। फिर यहाँ अंतिम में बोल रहे हैं कि ये हम लोग ने देखा कि पूरे लास्ट तकरीबन तकरीबन हम लोग 11 से 25 श्लोकों में जो है सुखदेव गोस्वामी प्रार्थना ही किए जा रहे हैं,
तो अभी एक मन में प्रश्न आ सकता है किसी के कि अरे इतनी सारी प्रार्थनाएं क्यों कर रहे हैं, उनको तो प्रश्न पूछा गया था महाराज परीक्षित ने क्रिएशन के बारे में, निर्माण के कार्य में सृष्टि का, तो सीधा निर्माण के बारे में बोलना चाहिए। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं 23 श्लोक के अंत में, सुखदेव गोस्वामी प्रेज फॉर द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, नॉट ओनली फॉर बीइंग हेल्प्ड पर्सनली इन प्रेजेंटिंग द ट्रूथ बट ऑल्सो फॉर हेल्पिंग अदर्स टू हूम ही वुड लाइक टू स्पीक। तो देखिए उनका प्रार्थना किसके लिए कर रहे हैं, उसका उनका हृदय बता रहे हैं प्रभुपाद जी सुखदेव गोस्वामी। एक उनका प्रार्थना करने का कारण है, यहाँ 11 से 25 श्लोक में उनके भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उसका एक कारण है कि वो जो है जवाब दे सकें महाराज परीक्षित को। दूसरा कि जितने भी लोग श्रवण कर रहे हैं उनको सबका कल्याण हो, उनके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये है सुखदेव गोस्वामी, ये है प्रामाणिक साधु जो दूसरों के लिए भी प्रार्थना करता है कि भाई मैं इसलिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप सबको की कृपा मिले। तो हम ये 24वां श्लोक सब साथ में पढ़ सकते हैं, नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुर ज्ञानम अयम सौम्य यन मुखर मुख अम्बुरा अश्ववाम। तो मुख अम्बुरा अश्ववाम का वर्ण मतलब आता है कि मुख भगवान के मुखार वृंद से जो है भगवान के लीलाओं का जो अमृत है वो सेवन कर रहे हैं। तो 24 बोलता था, obeisances to व्यासदेव incarnation of वसुदेव who compiled Vedic scriptures which are enjoyed by devotees। तो यहाँ व्यासदेव जी को प्रणाम कर रहे हैं, मतलब अपने पिता को प्रणाम कर रहे हैं जो भगवान वासुदेव का अवतार हैं और जिन्होंने वैदिक शास्त्र का पूरी रचना की और जो भक्त लोग जो हैं पूरी तरह से उसका आनंद लूट रहे हैं। बोलते हैं, द प्योर डिवोटीज ड्रिंक अप द नेक्टर एंड ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ड्रॉपिंग फ्रॉम द लोटस लाइक माउथ ऑफ द लॉर्ड। तो भगवान के मुखारविंद से जो ज्ञान आ रहा है वो अमृत के समान है, तो वो उसका सेवन कर रहे हैं, भक्त लोग उसमें आनंद लूट रहे हैं। तो प्योर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड हाउएवर कैन इक्वली रिलिश द नेक्टर इन द फॉर्म ऑफ प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेस एंड इन द फॉर्म ऑफ the kissing of the Lord in the Rasa dance, there is no distinction between the two। तो देखिए ये थोड़ा भारी चीज प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हम लोग अभी सृष्टि के निर्माण का कार्य का चर्चा कर रहे हैं, तो भक्तों को लग रहा होगा अरे यार बहुत टेक्निकल है, समझ नहीं आ रहा है, बाउंसर जा रहा है। पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान जो रास लीला में आनंद करते हैं और भगवान का ये जो सृष्टि का निर्माण है दोनों एक समान है। तो जो भक्त होता है वो दोनों में कोई भिन्नता नहीं देखता, भक्त जो है पूरी कोशिश करके जो है पूरी तरह से ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करता है। तो फिर बोलते हैं कि सुखदेव गोस्वामी की जो ब्रह्मा जी में और नारद में जो वार्ता हुई थी, ब्रह्मा नारद संवाद, वो मैं आपको वापस से बताऊंगा जो मैंने श्रवण किया था। आपके जो प्रश्न है वो सारे प्रश्न का जवाब मैं अपने हिसाब से नहीं दे रहा हूँ, पर जो ब्रह्मा जी ने बताया उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो एक चीज बताया जाता है, ब्रह्मा जी को वेद गर्भ के नाम से बताया गया है, उनका एक और नाम है वेद गर्भ। वेद गर्भ मतलब उनको पूरा, जब वो गर्भ में थे उनकी पैदाइशी के साथ ही उनको पूरा वेदांत का ज्ञान कृष्ण भगवान ने दिया था। तो जब नारद मुनि ने उनको पूछा, अभी अगले अध्याय में वो आ रहा है कि जब उनको पूछ रहे हैं कि आपने सृष्टि बनाई, कि आप स्वयं भगवान हैं, तो उसके बीच में जो संवाद होता है उसको सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। तो देखिए जो हम ज्ञान सुन रहे हैं ये ज्ञान कितना शक्तिशाली है। यहाँ ये जो आखिरी श्लोक है 25वां, उसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं, पहले ज्ञान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, तो आगे आने वाले अध्याय में चतुर्श्लोक की भागवत आने वाला है। तो चतुर्श्लोक की भागवत अर्थात भगवान ने ये जो पूरा भागवतम का ज्ञान था पहले ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, नारद देव ने व्यासदेव को दिया, व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी को दिया और सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित को दिया और उस सभा में सुत गोस्वामी भी बैठे थे और सुत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषिगण को नैमिषारण्य में दिया। तो देखिए कैसे कृष्ण भगवान से पूरी परंपरागत
जो है रूप में एक ज्ञान हमें मिल रहा है। एक तरह से फिर बोलते हैं कि आखिरी श्लोक में प्रभुपाद बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी प्रार्थना की भगवान से कि वो ही माइट बी एबल टू रिपीट द वेरी सेम मैसेज दैट वाज स्पोकन डायरेक्टली बाय लॉर्ड टू ब्रह्मा। तो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपने जो ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था, मैं आपसे इसलिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो आपने ब्रह्मा को ज्ञान दिया था वही मैं ज्ञान अभी अपने जवाब में परीक्षित को दे सकूं। तो बिना भगवान के कृपा के जो भगवान इतना उत्तम ज्ञान ब्रह्मा को दे रहे हैं, वो हमारी किसी की योग्यता नहीं है दोहराने की, पर हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, हे प्रभु आपकी कृपा से हम योग्य बन सकते हैं और हम ये ज्ञान थोड़ा बता सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो रहा है चौथा अध्याय, अभी हम पांचवें अध्याय में जाएंगे। तो पांचवें अध्याय में प्रवेश करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताऊं, अलग से थोड़ा प्रभुपाद की लीला और ऐसे सब थोड़ा 5 मिनट वो सब चीजें बता देता हूँ। तो बोलते हैं प्रभुपाद जी कैसे अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते थे। प्रभुपाद के एक प्रमाणिक भक्त है श्याम सुंदर प्रभु, और अभी भी है श्याम सुंदर प्रभु, उन्होंने चेजिंग द राइनोस किताब भी लिखा हुआ है। तो प्रभुपाद को श्याम सुंदर प्रभु ने बोला, प्रभुपाद मुझे जेल जाना पड़ेगा। तो देखिए प्रभुपाद की प्रतिक्रिया कैसी थी। तो हमें देखना है कि शुद्ध भक्त कैसे आदान प्रदान करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, मैच्योरिटी राधानाथ महाराज बताते हैं, मैच्योरिटी भक्त में कैसे है, कैसे मालूम चलेगा कि वो हर परिस्थिति में, हर कोई भी समय में वो कैसे व्यवहार कर रहा है। जो एक भक्त होता है, जो मैच्योर भक्त होता है, वो कृष्ण भावनामृत होते हुए हर परिस्थिति को हैंडल करता है। That is maturity. वो maturity की परिभाषा है कि आप कृष्ण को केंद्र में रखते हुए जो है अलग अलग तरीके से कार्य करें। जैसे बताया जाता है कभी कोई गलती से कोई गलत कार्य कर देता है भक्त, तो उसको बिल्कुल फैलाना नहीं चाहिए, ये राधानाथ महाराज का डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है। अगर किसी गलत कार्य हो गया है तो उसको क्षमा करके उसको किसी तरह से संभालना चाहिए और उसको मौका देना चाहिए कि वो फिर से वो गलत कार्य ना करे। क्यों? क्योंकि अगर ये बात फैल गई तो वो भक्तों के समुदाय में रह नहीं पाएगा, फिर भक्तों के समुदाय इसको छोड़ देगा, फिर कभी नहीं आ पाएगा। और अगर वो भक्तों के समुदाय को छोड़ देगा तो उसके पास कोई आश्रय ही नहीं है एक तरह से देखा जाए तो। तो ये बहुत जरूरी चीज है। कई जगह पे क्या करते हैं, बैन कर देते हैं भक्तों को कि अरे इस भक्त ने ऐसा गलत कार्य किया, अभी ये मंदिर में नहीं आ सकता या फलाना फलाना। नहीं, हमें ये समझना है कि हम भी जब भक्तों के साथ आदान प्रदान करेंगे तो हो सकता है कोई भक्त गलत कार्य करे तो हमें उसे समझाना चाहिए, प्यार से हैंडल करना चाहिए। हाँ, और ऐसा नहीं है कि आप उसको एनकरेज कर रहे हैं, आप उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं गलत कार्य करने के लिए, पर उसको समझाना चाहिए सही तरीके से कि भाई ये वापस नहीं होना चाहिए और ये बात पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए, कभी भी लीक नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो भक्तों के समुदाय में वापस नहीं आ पाएगा। तो प्रभुपाद जी को श्याम सुंदर ने बोला कि मैं जेल में जा रहा हूँ। तो प्रभुपाद का देखिए कैसे प्रभुपाद ने इतनी बड़ी बात जो है जेल में जा रहा हूँ वो कैसा उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने तुरंत बोल दिया कि हाँ कृष्ण भगवान भी तो जेल में पैदा हुए थे, ठीक है। फिर पूछने लगे क्यों, तो बोलते हैं कि मैं ड्रग्स में डीलिंग करता था। तो प्रभुपाद ने जवाब दिया, मैं भी तो ड्रग्स में डीलिंग करता था। तो अर्थात श्याम सुंदर प्रभु के जीवन में इतना विकट परिस्थिति आ रहा है, पर प्रभुपाद ने कभी भी उसको ऐसा लगने नहीं दिया कि अरे तुम क्या इतना जेल में जा रहे हो और तुम ऐसा चरस गांजा का धंधा करते थे या उसका आदान प्रदान करते थे। तो प्रभुपाद ने क्या बोला, मैं भी ड्रग्स में डील करता हूँ, मैंने भी फार्मेसी चलाया था, तो फार्मेसी में मैं भी ड्रग्स में डील करता था। और फिर प्रभुपाद ने उसको बोला कि जहाँ पे भी हो आप कृष्ण को प्रार्थना करते रहो, कृष्ण का नाम जप करना, और कृष्ण की कृपा आप पे अवश्य होगी। और 1969 में उनको जेल में जाना पड़ा था श्याम सुंदर प्रभु को, और उनका जो है 3 साल का सेंटेंस था जेल में रहने का, पर क्योंकि वो भगवान का जप कर रहे थे और प्रभुपाद जी के संग में थे तो जेल वालों ने 6 महीने में उनको रिहा कर दिया। और यहाँ तक कि जब रिहा कर रहे थे तो बोल रहे थे कि हमें मालूम नहीं हम क्यों रिहा कर रहे हैं, पर आपको रिहा कर रहे हैं हम कैसे। तो
और उनका व्यवहार देख के उनको रिहा कर दिया 1969 में, मतलब 6 महीने में वो आ गए। और 1971 में उन्होंने क्रॉस मैदान में जो है प्रभुपाद जी के लिए बड़ा जो है मुंबई में पंडाल कार्यक्रम किया, जिसमें 10 से 20 हजार लोग रोज आ रहे थे। तो देखिए उस प्रोग्राम के कारण जो है लोकनाथ महाराज जुड़े, राधानाथ महाराज जुड़े, और मेरे हिसाब से शायद यदुबर प्रभु भी उसी प्रोग्राम के कारण जुड़े। तो अगर श्याम सुंदर प्रभु शायद जेल में रहते थे तो ये इतना बड़ा पंडाल प्रोग्राम कर नहीं पाते थे और राधानाथ महाराज जुड़ नहीं पाते थे 1971 के क्रॉस मैदान के प्रोग्राम से, और फिर शायद हम लोग भी नहीं जुड़ पाते थे। तो देखिए प्रभुपाद ने जिस प्यार से उनको हैंडल किया ऐसे सिचुएशन को, तो वो हमें सीखना है एज अ डिवोटीज कि गलतियां होंगी लोगों से, पर हमें बहुत ही प्यार से उन्हें संभालना है। और जब उसने गलती की है तो पहले ही वो दुखी है, उसके ऊपर आप उसको झाप दोगे, आप उस पर चिल्लाओगे तो और नुकसान हो जाता है। तो कई सालों से भक्ति करने के बाद भी लोगों को ये बात समझ नहीं आती, उसके बाद भी वो चिल्ला पड़ते हैं भक्तों की गलती पे। ठीक है, हमें मौका देना चाहिए सुधरने के लिए, उनको प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, पर इस तरह से ये हमें सीखना चाहिए प्रभुपाद की लीला से। फिर दूसरा बताते हैं कि हमारे जीवन में अलग अलग तकलीफें आती हैं, पेन आता है, तो अगर पेन को गेन में बदलना है, अर्थात हमारे जीवन में जो मुश्किलें हैं उस मुश्किलों के बदले में हमें उन्हें लाभ में बदलना है, तो एक बहुत जरूरी चीज है, वो है प्रार्थना। तो हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए भगवान से रोज सुबह उठ के, दिन में जब मौका मिले, जब आरती कर रहे हैं तब, हाँ प्रार्थना करते रहना चाहिए। प्रार्थना करने से जो है मुश्किल से मुश्किल कार्य भी हमारे जो है लाभ में बदल जाएगा। चैतन्य चरितामृत में बताया है कि कथम च स्मृते अस्मिन् दुष्कर्म सुकर्म भवेत् विस्मृत विप्राम च श्री चैतन्य नमामि। अर्थात कि अगर आप भगवान को याद करते हैं तो सबसे मुश्किल कार्य भी सरल हो जाएगा, और उनको भूल जाएंगे तो सबसे सरल कार्य भी मुश्किल हो जाएगा। फिर चैतन्य चरितामृत के कोट्स में से मैं एक पढ़ रहा था, प्रभुपाद लिखते हैं डोंट यूज मनी विच डज नॉट बिलोंग टू यू। हाँ, ये गोपीनाथ पटनायक की लीला में आता है चैतन्य चरितामृत में। पर एक मुख्य चीज आप लोग को उस लीला में मैं नहीं जाऊंगा अभी, क्योंकि हम भागवतम पढ़ रहे हैं, पर प्रभुपाद जी ने एक चीज सिखाया है वो हमें ध्यान रखना है, जो पैसा हमारा नहीं है हमें उसे उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी का डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस है। वो चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं गोपीनाथ पटनायक के लिए कि भाई उन्होंने जो है गवर्नमेंट का पैसा इस्तेमाल किया जो उसने नहीं करना चाहिए था, और उसके कारण वो पूरी लीला हो गई। तो ये पूरा वर्णन करते हैं। अच्छा, दूसरा एक चीज, एक कोटेशंस बता रहे थे कि अभी देखिए हम लोग तकरीबन तकरीबन चौथा अध्याय भी हो गया है, फिर हम आज पांचवें अध्याय में भी प्रवेश करेंगे। अगर हम एक श्लोक रोज पढ़ेंगे भागवतम का तो तकरीबन तकरीबन हमें 50 साल लग सकते हैं पूरा भागवतम पढ़ने के लिए। कितने साल? 50 साल, अगर हम एक श्लोक रोज पढ़ेंगे तो। देखिए कितना विस्तार पूर्वक भागवतम है, अगर एक एक श्लोक के क्रमांक पे जा रहे हैं तो। हम लोग एक एक दिन प्रवचन में 1 सवा घंटे में हो सकता है 10 20 30 25 जितना भी हमारा तात्पर्यों को भी जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं उसको लेके चलना है, तो हम लोग चर्चा करे जा रहे हैं। नहीं तो ये इतना विस्तारित है कि अगर एक एक श्लोक के हिसाब से करें तो 50 साल, और चैतन्य चरितामृत अगर पढ़ने जाएं एक एक श्लोक रोज तो 26 साल लग सकते हैं। तो देखिए इतना विस्तार हम जो है शास्त्र है विस्तारित रूप में, पर हमें अपने क्षमता लगा के उसे समझना है और अपने जीवन में भी अपनाना है। तो जैसे मैं कल बता रहा था, ये सब शास्त्रों का मर्म क्या है कि हमारा चरित्र में बदलाव आना चाहिए। अगर हमारे चरित्र में बदलाव नहीं है, हमारा कैरेक्टर नहीं बदल रहा है, तो हमें ध्यान रखना है कि कहीं तो कुछ गलत हो रहा है। तो ये बहुत अति आवश्यक है कि हम अपने मानसिक जो हमारी विचार है उसको पूरी तरह से बदलें और अच्छे से भक्ति करें। तो ये मैंने कहानी सुनी थी जब मैं तिरुपति में था, उधर के जो टेंपल प्रेसिडेंट है रेवती रमन प्रभु,
उन्होंने कहानी सुनाई थी, आईवेस का यात्रा था, तो उसमें बता रहे थे कि कैसे तिरुपति रेवती रमन प्रभु जब छोटे से स्टूडेंट थे, शायद 5th 6th स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहे होंगे, तो बताया जाता है क्लास में बैठे थे और पीछे से किसी लड़के ने जो है बॉल मारा टीचर को, कागज का बॉल बना के, और बॉल मारा तो उसको देख के जो है उनके मुंह से एकदम से हंसी आ गई। तो टीचर ने मुड़ के देखा और देखा कि ये लड़का हंस रहा है, जो एक्चुअली रेवती रमन प्रभु जो भी हैं अपने बचपन की कहानी बता रहे थे, तो उनको लगा इसी ने मारा है कागज का बॉल। तो उनको लेके गए प्रिंसिपल के पास, बोले आज का आज तुमको मैं स्कूल से रेस्टिगेट कराऊंगी, तुम टीचर को बॉल मार रहे हो करके। तो घबरा गए, एक तो उन्होंने बॉल मारा नहीं था, बेचारे हंस दिए, तो हंसने के कारण फंस गए वो, तो बहुत घबरा गए घबरा गए। तो उस समय प्रिंसिपल आए नहीं, तो उनको लगा अभी कल आएंगे प्रिंसिपल, तो कल ये मेरे को रेस्टिगेट कराएगी टीचर मेरे को। तो जैसे स्कूल छूटा तो सीधे भाग गए तिरुपति बालाजी के पास ऊपर। तो ये आज से 40 साल 45 साल पहले की कहानी बता रहे थे रेवती रमन प्रभु, कि फिर ऊपर चले गए वो तिरुपति बालाजी का दर्शन के लिए और प्रार्थना करने लगे, तिरुपति बालाजी बस मुझे इस प्रॉब्लम से आप मुझे बचाइए, मैं अपना पूरा जीवन आपकी सेवा में दूंगा, बस मुझे इस विकट परिस्थिति से निकालिए आप कैसे। तो ऐसे प्रार्थना कर रहे थे बार बार। तो कैसे तो उनके दिमाग में ऐसा एक बताया समाधान जैसे निकला कि अगर मैं प्लास्टर लगवा दूं अपने हाथ पे तो घर वालों को जो है पूरा घर वालों का मन इसमें चला जाएगा, उनको लगेगा कि अरे मेरे को तो हड्डी टूट गई है मेरी, उनको ऐसा लगेगा। तो गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्या उधर तो लोकल रहते थे डॉक्टर कंपाउंडर सब, तो उनको बोल के उन्होंने प्लास्टर ही लगवा दिया पूरा अपने हाथ पे। तो बड़ा प्लास्टर लगवा के घर पे गए, तो प्लास्टर को देखते सब जो है घर वाले एकदम ये हो गए, बोले अरे इतना बड़ा क्या हो गया, चोट लग गई? तो बोला ऐसे में गिर गया था। तो घर वालों ने बोला अच्छा ठीक है, अभी एक हफ्ता तुम घर में आराम करो, स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। और एक हफ्ते बाद जब स्कूल गए तब भी प्लास्टर लगा के रखा था, हाथ में हुआ कुछ नहीं था, पर परमात्मा ने उनको ऐसा इंस्पायर किया कि प्लास्टर लगवा दो। तो टीचर जिसने उसको रेस्टिगेट करने वाली थी वो बहुत उसको देख के पिघल गई, बोले अरे आपका हाथ टूट गया, कैसे हुआ, क्या हुआ करके, और पूरी तरह से वो बात उनके मन से ही बाहर निकल गया। अब देखिए रेवती रमन प्रभु बोल रहे थे मैं प्रॉब्लम में था और मैंने ऐसे ऐसे प्रार्थना की तिरुपति बालाजी से और उससे मैं प्रॉब्लम से बाहर निकल गया, लेकिन साथ साथ मैंने एक और तिरुपति बालाजी को बोला कि बोला था उस समय जब मैं छोटा था, मुझे इस प्रॉब्लम से निकालो, मैं पूरा जीवन आपकी सेवा करूंगा। तो बोलते हैं मैं भूल चुका था इस वाक्य को कि मैं पूरा जीवन आपकी सेवा करूंगा, लेकिन बोलते हैं कुछ समय के बाद जब मैं कॉलेज में ग्रेजुएशन कर लिया उसके बाद मैं इस्कॉन के भक्तों के टच में आया और फिर जो है इस्कॉन के भक्तों के साथ पूरी तरह से जुड़ गया और सेवा बढ़ते गया और आज मैं जो है इस्कॉन का जो है तिरुपति इस्कॉन के वो प्रेसिडेंट है और उन्होंने इतना भव्य मंदिर बनाया हुआ है रेवती रमन प्रभु ने। तो बोलते हैं हम लोग जब भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हम लोग प्रार्थना करके भूल जाते हैं पर भगवान नहीं भूलते। तो उन्होंने प्रार्थना ये की थी कि मैं पूरा जीवन आपकी सेवा में दूंगा, तो भगवान ने उनका अभी समय आने पे पूरा जीवन ले लिया और अपनी सेवा में नियुक्त करा दिया। तो हमें ध्यान रखना चाहिए हम जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, और देखिए भगवान कैसे न कैसे एक समय कोई विकट परिस्थिति लगती है पर उससे अपने भक्तों को जो है खींच लेते हैं अपनी तरफ। एक और भक्त है, एक लड़का था, जब रथ यात्रा हो रहा था तो रथ यात्रा में वो देख रहा था कि कैसे जगन्नाथ जी के रथ पे एक सैफरन ब्रह्मचारी जो है चामर की सेवा कर रहा है। तो चामर मालूम है आपको कैसा, वो सफेद कलर का होता है और एकदम बड़ा रहता है, और वो चामर जिस तरह से हिला रहा था तो उसको इतना अच्छा लगा उस लड़के को, स्कूल स्कूल में पढ़ता था वही 5वीं 6वीं के स्टैंडर्ड में, तो उसने प्रार्थना की जगन्नाथ जी से मुझे भी ऐसा बनना है, और ऐसा प्रार्थना करके वो भूल गया। और फिर बताया जाता है कि वो कॉलेज में आया, फिर भक्तों के साथ जुड़ा और ब्रह्मचारी बन गया, और
ब्रह्मचारी बन के उसको सैफरन भी मिल गया, ब्राह्मण दीक्षा भी मिल गया, और जब रथ यात्रा था तो उसकी सेवा हुई चामर की, चामर से मतलब भगवान को हवा देने की। तो जब वो कर रहा था तो करते 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 उसको याद आया कि 20 साल पहले मैंने भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना किया था कि मुझे ये सेवा चाहिए, और 20 साल भूल गया वो ये सेवा। और आज 20 साल के बाद जब वो रथ पे था और वही चामर कर रहा था सैफरन रस में, तो उसके बोलते रोंगटे खड़े हो गए, पूरा उसका मन में बिल्कुल ऐसा आने लगा कि अरे प्रभु, मैंने आपसे प्रार्थना किया था 20 साल 25 साल पहले, और आज आपने वो मेरा प्रार्थना सुन लिया और मुझे उसी सेवा में लगा दिया। और कलकत्ता मंदिर के ब्रह्मचारी है, उनका नाम है आनंद मोहन प्रभु, तो वो ये अपनी कथा बता रहे थे कि कैसे भगवान का आदान प्रदान होता है। तो ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं। तो अभी हम वापस आ जाते हैं हमारे जो है दूसरे स्कंद पे, पांचवे अध्याय में। तो पांचवे अध्याय का जो है 6 भाग है, तो 6 भाग में पहले 8 में नारदास क्वेश्चंस एंड कन्विक्शंस एंड डाउट्स, तो नारद जी प्रश्न पूछ रहे हैं और उनके मन में जो शंका है वो पूछ रहे हैं। तो पहले 8 श्लोकों में इसका वर्णन है। फिर 9 से 13 कि ब्रह्मा जी जो है नारद के सब प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। फिर उनके जो है उनको जो गलत फहमी थी कि आप भगवान हैं क्या, तो वो बोलते हैं 9 से 13 में बताएंगे, नहीं मैं नहीं हूँ, पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्णा है और मैं तो उनके लिए कार्य कर रहा हूँ सृष्टि के निर्माण का। फिर 14 से 16 श्लोकों में कि 3 प्रश्नों का उत्तर, उन्होंने अलग अलग प्रश्न पूछे हैं पहले पहले जो सेक्शन है उसमें नारद जी ने, उसका जवाब दे रहे हैं। फिर 17 से 20 में ब्रह्मा और जो भगवान विष्णु है उन दोनों में क्या भेद है, कि ब्रह्मा जो है जीव तत्व है और भगवान विष्णु या कृष्ण जो है विष्णु तत्व है। कृष्ण तो पूर्ण पुरुष तो भगवान है, लेकिन जितने भी विष्णु हैं वो विष्णु तत्व है। तो विष्णु तत्व और जीव तत्व का 17 से 20 श्लोक में जो है क्रमांक में उसका ये वर्णन होगा। और 21 से 35 श्लोक में वो ब्रह्मा जी जब उनको जवाब दे रहे हैं, यथाश्रितम, यथाश्रितम मतलब जैसा उन्होंने कृष्ण भगवान से सुने तो उसी के तरह से, जैसे उन्होंने समझा है उसी के हिसाब से वो ज्ञान दे रहे हैं नारद मुनि को। और फिर 36 से 42 वो लास्ट भाग में जो है विराट रूप का वर्णन है। ये जो है 6 भाग हैं। तो हम पहला श्लोक लेते हैं, तो पहला श्लोक सब साथ में बोल सकते हैं। नारद उवाचा देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन्न पूर्वजा तद्विघ्ना हि यक् ज्ञानम आत्मतत्व निदर्शनम। तो अभी नारद मुनि जो है प्रार्थना कर रहे ब्रह्मा जी से, प्लीज टेल मी द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज विच स्पेसिफिकली डायरेक्ट्स वन टू द ट्रुथ ऑफ द इंडिविजुअल सोल एंड द सुपर सोल। मतलब वो ज्ञान दीजिए जो आत्मा और परमात्मा के बारे में वर्णन करे। देव देव नमस्तेस्तु, उनको देव देव बोला गया है, अर्थात देवताओं में सबसे सर्वोत्तम है, ये ब्रह्मा जी के लिए बोल रहे हैं। नारद उवाच, नारद जी बता रहे हैं कि आप देव देव नमस्तेस्तु, आप देवताओं में सबसे सर्वोत्तम हैं, तो आप मुझे ये ज्ञान दीजिए आत्मा और परमात्मा का। तो प्रभुपाद बोलते हैं कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए तात्पर्य में बहुत जरूरी है कि हम प्रामाणिक व्यक्ति से सुने। तो जब हम प्रामाणिक जो परंपरा में आए हैं उनसे सुनेंगे तो हमें जो है ज्ञान पूरी तरह से प्राप्त होगा। तो ये डिसाइप्लिक सक्सेशन जो है वो बहुत जरूरी है परंपरा में। तो ये परंपरा एक तो होता है दीक्षा परंपरा और एक होता है शिक्षा परंपरा। अभी आप देखें कृष्णा से, जैसे हमने सुना ब्रह्मा नारद व्यास सुखदेव गोस्वामी सूत गोस्वामी शौनक आदि गण, तो ये पूरा परंपरा आ रहा है। और ऐसे परंपरा अगर आप गीता में देखेंगे डिसाइपल सक्सेशन प्रभुपाद लिखते हैं तो वो प्रभुपाद जी तक है, फिर प्रभुपाद जी के शिष्य हैं जिनको उन्होंने दीक्षा दी, फिर उन्होंने वापस से दीक्षा दी है हम जैसे सब भक्तों को, और वो परंपरा चल रही है। तो एक तो होता है दीक्षा परंपरा और दूसरा होता है शिक्षा परंपरा। तो अगर आप देखिए गोरक्षदास बाबा जी ने भक्ति विनोद ठाकुर से दीक्षा नहीं लिया था,
पर वो शिक्षा परंपरा में आते हैं, इसलिए उनका नाम है। हाँ, भक्तिचरण ठाकुर ने कोशदास बाबा जी से दीक्षा लिया था, प्रभुपाद ने भक्तिचरण ठाकुर से दीक्षा लिया था, पर हमारे परंपरा में कहीं कहीं ऐसा भी है जहां पे उन्होंने दीक्षा नहीं लिया है पर वो शिक्षा उनसे लेते थे, तो इसलिए शिक्षा के रूप में भी वो प्रामाणिक रूप में उनसे संपर्क में थे, तो ये चीज जानना जरूरी है। फिर बताते हैं कि जो प्रामाणिक भक्त हैं वो गुरु से जो है तीन चीजों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, एक नम्रता, दूसरा सेवा और तीसरा सरेंडर। सरेंडर, सबमिसिव इंक्वायरीज एंड सर्विस, इन तीन चीजों से जो कोई भी प्रामाणिक भक्त है वो अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। सरेंडर, सबमिसिवनेस एंड सर्विस। तो देखिए बार बार सबमिसिवनेस और सर्विस आ रहा है ये चीज। तो अभी जो है 6 प्रश्न पूछ रहे हैं नारद मुनि ब्रह्मा जी को, वो ये दूसरे अध्याय में है, दूसरे श्लोक में। यद रूपम यद अधिष्ठानम यद त्रिष्टम इदम प्रभो यद संस्थम यद परम यक्ष तत्त्वम वद तत्वतः। तो ये 6 चीज पूछ रहे हैं, यद रूपम यद अधिष्ठानम यद त्रिष्टम यद संस्थम यद परम यक्ष, मतलब ये पूरी सृष्टि का किसने बनाया है, कौन आश्रय देता है, और फिर उनका जो है मेंटेनेंस कैसे होता है, और किस पे पूरी तरह से निर्भर है, और किस चीजों से बना है पूरी सृष्टि। तो ये थोड़ा टेक्निकल है, तो वो हम लोग जो है मैं जितना सिंपल हो सकता है वैसे करते हुए आपको बताऊंगा। तो तीसरे श्लोक में बताते हैं कि कैसे वो बोल रहे हैं नारद मुनि ब्रह्मा जी को कि आपको सब कुछ मालूम है, कैसे, जैसे कर्मालक यद विश्वम, कि किसी के हाथ में एक अमल का फ्रूट होता है, या अमल का फ्रूट को वॉलनट भी बोलते हैं, वॉलनट मतलब अखरोट। अगर आप अपने मुट्ठी में अखरोट कैसे बंद करके रखते हैं तो पूरा अखरोट आपके हाथ में होता है। तो बोल रहे हैं नारद मुनि ब्रह्मा जी को, आपको सब कुछ ज्ञान है, जैसे अमल का फल कोई हाथ में रखे तो उसी प्रकार से आपको सृष्टि के बारे में पूरा ज्ञान है, तो आप कृपया करके बताइए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ब्रह्मा सबसे पहले उनका निर्माण हुआ था। तो बोलते हैं किसी भी कंपनी में जाएंगे, कोई कंपनी का ओनर होगा, मैन्युफैक्चरर होगा, तो उसको मालूम है कि ये सामान कहाँ से आता है, कैसे बनता है, तो ये सरल चीज है। क्यों? क्योंकि वो ओनर है, मैन्युफैक्चरर है। तो बोलते हैं उसी प्रकार से ब्रह्मा जी को भी सब कुछ मालूम है और उसी चीज का ज्ञान के लिए वो प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अभी ये 4th श्लोक में बोल रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि शायद आप पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, हाँ, तो आपका ज्ञान का स्तोत्र क्या है, ऐसे करके पूछ रहे हैं। तो उसमें ये 4th श्लोक में आता है, बोलते हैं कि नारद मुनि को मालूम था कि ब्रह्मा जी से कोई तो और जो है शक्तिशाली है, या कोई तो और भगवान है, तो मैं ब्रह्मा जी से पूछ लेता हूँ। तो ब्रह्मा जी को मैं पूछता हूँ कि आप हैं क्या वो, या आपके ऊपर भी कोई है, तो ऐसे करके पूछते हैं। तो 5वें श्लोक में बोलते हैं कि आप तो इस तरह से कार्य कर रहे हैं जैसे एक स्पाइडर होता है, या मकड़ी, तो मकड़ी कैसे अपना पूरा जाल फैलाता है और समेट लेता है, तो कहते हैं वैसे ही आप कार्य करते हो, सृष्टि बनाते हो, तो कौन हो, कौन है आप, पूर्ण पुरुषोत्तम हो क्या, ऐसे करके पूछ रहे हैं। और आपके आई नो नो अदर सोर्स फॉर क्रिएशन बट यू। अभी नारद मुनि का जब ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वो, तो बोलते हैं मैं तो आप ही को जानता हूँ, आप मेरे पिता हैं, तो आप वास्तविक रूप में बताइए कि आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम है क्या। तो अभी 7वें श्लोक में बताते हैं कि आपने इतना तपस्या किया तो आपसे भी कोई जो है शक्तिशाली है, क्योंकि अगर आप तपस्या कर रहे हो मतलब आप किसी को प्रसन्न कर रहे हो, तो आप जिसको भी प्रसन्न कर रहे हो तो कौन है वो, तो आप मुझे बताइए उनके बारे में। तो बताते हैं प्रभुपाद, लिखते हैं 7वें श्लोक में कि जो गुरु है, गुरु को आपको भगवान के जैसे सम्मान देना चाहिए, लेकिन अगर वो गुरु खुद बोले कि मैं भगवान हूं तो उसी वक्त उसको जो है रिजेक्ट कर देना चाहिए, उसी वक्त जो है गुरु की पदवी से उसका पतन हो जाता है अगर गुरु बोले कि मैं भगवान हूं। शिष्यों को चाहिए कि गुरु को भगवान के जैसे सम्मान दे, तब शिष्य की प्रगति होगी, लेकिन गुरु कभी भी ये नहीं बोलता वो भगवान है, अगर वो ऐसा बोले तो उसका उसी वक्त पतन हो जाता है करके प्रभुपाद जी बोल रहे हैं।
फिर जो है ऐसे वर्णन आता है, माई डियर फादर, या 8वां श्लोक है, यू नो एवरीथिंग एंड यू आर कंट्रोलर ऑफ ऑल, देयरफॉर मे ऑल दैट आई हैव इंक्वायर्ड फ्रॉम यू बी काइंडली इंस्ट्रक्टेड टू मी। तो अभी आप मुझे ज्ञान दीजिए, आपको तो सब कुछ मालूम है। अभी ये 9 से 13 श्लोक जो है ब्रह्मा जी जवाब दे रहे हैं नारद मुनि के प्रश्नों का। फिर उसमें बोल रहे हैं, माई डियर बॉय नारदा, बींग मर्सीफुल टू ऑल ऑफ यू, यू हैव आस्क्ड ऑल दिस क्वेश्चंस बिकॉज आई हैव बीन इंस्पायर्ड टू सी। कहते हैं आप जो है भगवान से प्रेरित होके ये प्रश्न पूछ रहे हो, और मैं उन्हीं भगवान की कृपा से अभी आपको सब जवाब देना चालू कर रहा हूँ। तो बोलते हैं आपके प्रश्न बहुत अच्छे हैं प्रभुपाद जी, बोल रहे हैं क्यों, क्योंकि कृष्ण से भगवान से संबंधित है। तो जब भी कोई कृष्ण भगवान से संबंधित प्रश्न पूछता है तो जो बोलने वाला है वो बहुत उत्साहित हो जाता है, अर्थात कथाकार। क्यों? क्योंकि कथाकार को समझ में आता है कि अभी मुझे कृष्ण भारत के बारे में बोलना पड़ेगा, तो वो उत्साहित हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम है मेरे कृष्ण के बोलने से मेरा कल्याण होगा, सुनने वालों का कल्याण होगा, और बहुत सारे लोगों का कल्याण होगा, भले ही वो श्रवण भी नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भागवत कथा का जो है हमें मौका मिल रहा है बोलने का और सुनने का। तो यहाँ ब्रह्मा जी भी बहुत प्रसन्न हो गए नारद जी से, क्योंकि उन्होंने बोला आपने ऐसे प्रश्न पूछे हैं जिससे मुझे भगवान को गुणगान करने का मौका मिल रहा है। फिर लिखते हैं जी, प्रभुपा वन जी द मिनट प्योर लेफ्ट। डिवोटीज, ठीक है ये लास्ट लाइन मैं कवर कर देता हूँ, फिर 10वें श्लोक से कल चर्चा करेंगे। द प्योर डिवोटीज आर नॉट ओनली सेटिस्फाइड बाय नोइंग एवरीथिंग अबाउट द लॉर्ड बट आर आल्सो ईगर टू ब्रॉडकास्ट द इन्फॉर्मेशन ऑफ अदर्स वांट टू सी। तो एक शुद्ध भक्त का मन बताया गया है इस श्लोक में, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि शुद्ध भक्त क्या होता है, इससे संतुष्ट नहीं होता कि सिर्फ मुझे भगवान के बारे में ज्ञान मिले, वो चाहता है दूसरों लोगों को भी मिले, इसलिए वो प्रचार कार्य करता है। और ऐसा करके 9वां श्लोक खत्म होता है, और कल हम 10वें श्लोक से चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे 5वें स्कंद भागवतम 5वें अध्याय में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का, हरे कृष्ण।